नमस्कार कृष्ण भाइयों, मैं हूं राजेश। आप देख रहे हैं फार्मर हेल्पिंग चैनल। कृष्ण भाइयों, एंडफिल कंपनी का जो एजेंट प्लस कीटनाशक है, उसका कंटेंट क्या रहता है? लैम्डा साइक्लोथ्रिन 5% ईसी। लैम्डा साइक्लोथ्रिन जो 5% ईसी कंपोजिशन दवाई है, उसका मुख्य रूप से उन कौन सी सब्जियों का खेती बारी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे करेला का खेती बारी में, खीरा का खेती बारी में, लौकी कद्दू का खेती बारी में, तुराई का खेती बारी में, भिंडी का खेती बारी में, मिर्च का खेती बारी में, बैंगन का खेती बारी में, लोबिया का खेती बारी में, खरबूज का खेती बारी में, कद्दू लौकी का खेती बारी में, इसके अलावा जैसे गेहूँ मक्का का खेती बारी में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जी वर्गियों खेती बारी में, फलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। जो लैम्डा साइक्लोथ्रिन 5% इसी कंपोजिशन दवाई है, मार्केट में और भी कंपनी का रहता है, आप कोई भी कंपनी का आप इस्तेमाल कर सकते हैं आपका सब्जियों का खेती बारी में। लेकिन जो एंडोफिल कंपनी का एजेंट प्लस कीटनाशक है, उसका कीमत भी बहुत अच्छा मिलता है, कीमत भी सस्ता है। जैसे आप इसका इस्तेमाल करने के बाद काम भी बेहतरीन करता है कीटों को नियंत्रित करने के लिए। जो दूसरा कोई भी कंपनी का लैम्डा 5% होता है जो महंगा होता है, इसलिए क्या करना है, जैसे आप लैम्डा साइक्लोथ्रिन 5% इसी कंपोजिशन वाला दवाई उपयोग करता है, तो क्या कर सकते हैं, एंडोफिल कंपनी का एजेंट प्लस जो कीटनाशक है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल करने के बाद मुख्य रूप से कौन कौन सी कीटों का आप नियंत्रित कर सकते हैं, जैसे गेहूँ का फसलों में भी इस्तेमाल करने के बाद मक्का का फसलों में सुंडी तेला जो इंसेक्ट होता है इसका आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे लेडीबग जो इंसेक्ट होता है इसको आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे फ्रूट फ्लाई, जैसे फल मक्की हर किसान का समस्या होता है, जैसे फसल मिलने के बाद फल मक्की की वजह से फसल खराब हो जाता है, इसीलिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका तेला सुंडी जो इंसेक्ट होता है इसके लिए भी आप बलर्म कीटों के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। एपिड जेसिड माइट इंसेक्ट के लिए भी आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा, बेहतरीन काम करते हैं कीटों को नियंत्रित करने के लिए। एंडोफिल कंपनी का जो एजेंट प्लस कीटनाशक है, उसका डोसेज सब्जियों का खेती बारे में कितना स्प्रे करना है अब इसका बारे में बात करना है। जैसे पर लीटर पानी में लगभग 1.5 ml पर लीटर पानी में आप घुलकर अच्छे से स्प्रे करना है, बेहतरीन काम करता है। पहला स्प्रे करने के बाद दूसरा स्प्रे लगभग 10-12 days के अंदर आप दूसरा स्प्रे भी आपका सब्जियों का खेती बारी में कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। इसका स्प्रे करने के बाद रिजल्ट कब मिलता है, जो एंडोफिल कंपनी का एजेंट प्लस कीटनाशक है, इसका स्प्रे करने के बाद रिजल्ट लगभग पहला हफ्ता के बाद 1 हफ्ता के बाद आपको रिजल्ट भी मिल जाएगा, जो बहुत अच्छा है। जो एजेंट प्लस जो कीटनाशक है इसका प्राइस कितना है, इसका प्राइस लगभग 100 ml का प्राइस मार्केट पे 80-90 rupees का अंदर आपको मिल जाएगा, जो इसका इतना सस्ता जो कीटनाशक होता है दूसरा कोई भी कंपनी का नहीं मिलेगा। इसलिए क्या करना, आप जैसे कोई भी कंपनी का लैम्डा साइक्लोथ्रिन उपयोग करता है तो एजेंट प्लस कीटनाशक का इस्तेमाल जरूर करना। एजेंट प्लस कीटनाशक का साथ आप दूसरा कोई भी कीटनाशक फंगिसाइड स्प्लैन ग्रोथ पिज्जर एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, आपको कोई भी समस्या नहीं होगा। इसका जो कीमत भी बहुत सस्ता, इसीलिए एजेंट प्लस कीटनाशक जरूर उपयोग करना है। इसका प्लैन ग्रोथ का साथ एक साथ मिक्स करके भी उपयोग कर सकता है। जो किसान भाई इस वीडियो में बात किया था एजेंट प्लस कीटनाशक के बारे में, जो होता है एंडोफिल कंपनी का, उसमें कंटेंट क्या रहता है, कौन कौन सी खेती बारी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन सी कीटों का आप आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं, इसका कीमत कितना, इसके बारे में स्टेप बाय स्टेप बात किया था। इसके अलावा एजेंट प्लस जो कीटनाशक होता है इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो वीडियो में कमेंट भी कर सकते हैं।